बेली जट्टा गांव के लिए सड़क तो दे दो। ये गुहार है हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के गांव बेली जट्टा के लोगों की। चुनाव जीतने के बाद भस्मासुर बन जाने वाले खद्दरधारियों की करतूतों से तंग आ चुके वोटरों ने अपनी पीड़ा मीडिया को सुनाई। विकास के वादे और दावे देश के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी सीजन में कहा एक जुमला ही साबित होता रहा है। गुजरे लगभग 50 साल से बेली जट्टा गांव के लोग अपने गांव के लिए एक पक्की सड़क की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद भस्मासुर बन जाने वालों की नजर में गांव वालों की पीड़ा की कोई औकात नहीं है। नतीजा यह है कि इस गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं है। करीब 2.5 किलोमीटर की सड़क बन जाए तो इस गांव की तकदीर बदल जाए, लेकिन खद्दरधारी रोजगार दाताओं को गुलाम बनाकर रखने में ही गर्व महसूस करते हैं। फतेहपुर विधानसभा के आखिरी छोर पर रियाली पंचायत के गांव बेली जट्टा में तकरीबन 40 परिवार बिना सड़क सुविधा के अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। परेशान होकर गांव वालों ने सरकार को 1 महीने का वक्त देकर कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गांव वाले धरना प्रदर्शन पर मजबूर होंगे। जी, जो मैं आज ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से दे रहा हूँ, जी मेरे ही फतेहपुर विधानसभा के क्षेत्र के अधीन एक गांव आता है बेली जट्टा, जो मन क्षेत्र है और जिसकी हमेशा ही पिछले 40 सालों से अनदेखी की गई, चाहे जहाँ से कोई विधायक हो चाहे जहाँ से कोई सांसद हो, लेकिन सिर्फ इन लोगों को सिर्फ अपनी वोटों से मतलब था। ये जितने भी लोग आज आए हैं ये सभी दुखी लोग हैं। मैंने पिछले दिनों वहाँ पर एक दौरा किया था और उस दौरे में मैंने ये बात पाई कि वहाँ पर सड़क सुविधा से ये लोग बिल्कुल वंचित हैं, और जहाँ तक इनको स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए तो वहाँ पर ना कोई ऐसी हॉस्पिटल है ना कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हुई बात नज़र आ रही है। आज ये सभी लोग मेरे साथ आए हुए हैं और आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जे नायब तहसीलदार के माध्यम से ये ज्ञापन भेज रहे हैं, और जहाँ से हम 1 महीने का समय दे रहे हैं, अगर 1 महीने में उस सड़क का जहाँ निर्माण शुरू नहीं किया गया तो इन सभी जनता को साथ में लेकर मैं बहुत बड़ा एक आंदोलन करूँगा, जिस आंदोलन की जिम्मेवारी पूरी सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। जो रमेश कुमारी प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना ने जो मुझे ज्ञापन दिया है, मैं मुख्यमंत्री महोदय को आज ही भेज दूंगा। है किस मामले का ज्ञापन? इन्होंने दिया कि हमारी सड़क की सुविधा जो है वो नहीं बनी हुई है, और जो भी है उसे सुचारू रूप से चलाया जाए, नहीं तो हम 1 माह के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सड़क से जोड़ने की कृपा करें।